ये आंखें जो कुछ भी देख रही हैं सब के सब माया के अंतर्गत आते हैं। माया का मतलब क्या, दिखने में एकदम सच्चा सच्चा लग रहा है लेकिन वास्तव में सच्चा है ही नहीं। अपने शरीर के बारे में सोचिए, आपको हमको लगता है कि हमारा शरीर एकदम सच्चा सच्चा है, लगता है ना, लेकिन दो साल पहले वाला शरीर अभी है क्या आपका? कक्षा पांच में जब पढ़ रहे थे तो उस समय जो आपका रंग रूप था, आपका ढांचा था, ये अब नहीं है। और फिर आज जो है वो पांच साल बाद नहीं रहेगा, पांच साल छोड़ो छह महीने बाद बदल जाते हैं आदमी, काले काले बाल सफेद हो जाते हैं, दांत सब झड़ जाते हैं। तो जो चीजें हमेशा एक समान रहे कभी न बदले वो तो सत्य तत्व सत्य वस्तु में आते हैं, लेकिन जो बदल रहा है ना वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। इस विषय में किसी को और कुछ जानना है अलग से बात कर सकता है, जिसकी जितनी रुचि है उस हिसाब से उसको फिर हम आगे इस विषय का विस्तार करेंगे। संक्षेप में ये जान लीजिए कि परमात्मा वो है जो हमको बनाए हैं, जो हमें जन्म दिए हैं, जो हमारे कर्म फल के लेखा जोखा रखने वाले हैं, और वो हमसे दूर नहीं रहते हैं, वो वृंदावन अयोध्या काशी में नहीं रहते हैं, वो जन्म से लेके और पूरी देह की यात्रा तक हमारे साथ रहते हैं। उनको पाने के लिए ना इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस आंख बंद करिए और उनके नाम का सुमिरन शुरू करिए। हो सकता है हमको लगे कि वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो सुनते हैं, और वो सुनते हैं तो हमारी हर चीज हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। कैसे? जैसे हमारी माँ, हम जिस कमरे में हैं बचपन में नहीं पता कि मम्मी जो है किचन में पड़ी है कि बाहर खड़ी है कि पशु के लिए चारा काट रही है या बाथरूम में नहा रही है, कुछ नहीं मालूम ना छोटे बच्चे को, लेकिन बच्चा रोता है तो जहां भी माँ होती है वहां से भागी भागी आती है, उसको दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, चुप कराती है। ऐसे परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं वो हमारे बारे में।